हेलो किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सर? ना यू गुड? ओके, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश एंड द टॉपिक इज स्मॉल लेटर ई। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में स्मॉल लेटर ए बी सी डी यहाँ तक हमने राइटिंग कराया था। आज हम आपको उससे आगे स्टार्ट कराएंगे, नंबर्स आपका लेटर्स ई राइटिंग कराएंगे, जिसको आपको प्रॉपर्ली अपने होमवर्क की कॉपी में राइट करना है। स्मॉल लेटर ई जो है बहुत ही ईजी बनता है। जैसे आपका हाफ सर्कल रहता है, उसमें फिर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना होता है, जिसको हम आज सिखाएंगे। चलिए एक बार हम उस प्रीवियस जो हमने क्लासेस में स्मॉल लेटर्स राइट कराया था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देन आफ्टर आई विल राइट स्मॉल लेटर ई। पहले हम स्मॉल लेटर ए बी सी डी को रिपीट करेंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर ई राइटिंग कराएंगे। नाउ लुक एट दिस कॉपी चिल्ड्रन, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी फॉर बॉल कैपिटल, स्मॉल लेटर बी, कैपिटल लेटर सी, स्मॉल लेटर सी, नाउ कैपिटल लेटर डी, स्मॉल लेटर डी। यहाँ पे आपका स्मॉल लेटर डी राइट हो गया। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में कराए थे। आज हम आपको ई फॉर एग या ई फॉर एलिफेंट राइट कराएंगे, स्मॉल ए और स्मॉल ई एंड कैपिटल ई। पहले हम कैपिटल ई राइट करेंगे जो आपको कंप्लीट हो चुका है, और आज हम आपको स्मॉल लेटर ई राइटिंग करना सिखाएंगे, जो ऐसा बनेगा। आप सी बनाएंगे, फिर एक छोटा सा सर्कल ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ये आपका बन गया स्मॉल लेटर ई। यहाँ पे हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे ई फॉर एग का। आप लोग इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और कलर भी फील करेंगे। ओके, स्मॉल ई, स्मॉल लेटर ई, स्मॉल लेटर ई, ई फॉर एग या ई फॉर एलिफेंट। E for egg या E for elephant, E for elephant, E for elephant, E for elephant, E for elephant. E for elephant, half circle and circle, E for elephant, 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 E for elephant,
ई फॉर एलिफेंट। आप लोग को रीडिंग और राइटिंग करना है, ओके। ई फॉर एलिफेंट, हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को रिटर्न का प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाए, इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। आप लोग भी ऐसे ही रिपीट कर करके ही राइटिंग करेंगे। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, E for elephant, E for elephant, E for elephant। हम वन लाइन में सेवन E for elephant या E for egg राइट कर रहे हैं। आप लोग को भी ऐसे ही प्रॉपरली इस पेज को कंप्लीट करना है। E for elephant, E for elephant, E for elephant, या फिर इसको आप ऐसे राउंड करके ऐसा E for elephant बना सकते हैं। E for elephant, E for elephant, E for elephant। हमने पहले क्या बनाया था, C for cat, फिर उसमें ड्रॉ करना था सर्कल, है ना। बट इस वाले में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप ऐसे राउंड करके E for elephant बना सकते हैं, है ना। E for elephant, 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 E for elephant। आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है E for elephant। ऐसे ही आपको स्लोली स्लोली ड्रॉ करना है, राइट करना है।
E for elephant. 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 And last is E for elephant. ये आज आपको हमने E for elephant small letter राइट करना सिखाया, स्मॉल लेटर ई राइट करना आपको सिखाया, ई फॉर एलिफेंट या ई फॉर एग। आप सबको अपने होमवर्क की कॉपी में प्रॉपरली इसी को राइट करना है, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस। ओके, चलिए इसके साथ साथ हम आपको ए टू जेड अल्फाबेट रीडिंग करके सुना देते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। तो आप सबको रीडिंग करने के साथ साथ राइटिंग को भी करना है, और रीडिंग जो है प्रॉपरली करेंगे जिससे क्या होगा, आपको ए टू जेड अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लेटर तो आपको लिखना आ जाता है, राइटिंग करना आता है, बट जो स्मॉल लेटर्स उसमें काफ़ी सारे जो लेटर्स होते हैं बहुत ही इजी रहते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहते हैं, बट प्रैक्टिस करने से क्या है वो इजी बन जाते हैं ना। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है और इसको रिटर्न करना है अपनी होमवर्क की कॉपी में। सो ऑल चिल्ड्रन डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। ओके।